तो नेक्स्ट टाइप का कनेक्टेड मोशन है, नेक्स्ट टाइप का कनेक्टेड मोशन है, सपोज आपके पास ये एक ब्लॉक है, ये एक और ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने फोर्स अप्लाई की 100 न्यूटन, और ये मान लो 15 केजी का ब्लॉक है, ये 5 केजी का ब्लॉक है, ये चिपके नहीं हुए, बस ये आप एक दूसरे के पास पड़े हुए हैं। तो मैंने जब 15 केजी को पुश किया, साथ में 5 केजी पे मूव करना शुरू हो गया, तो यानी कि दे विल मूव विद अ कॉमन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, बनाते जाओ साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन है 15 केजी को जब आपने पुश किया, उसने मतलब आपने तो 15 केजी पे फोर्स लगाई थी, 15 केजी ने 5 केजी पे फोर्स लगाई, तो 15 केजी ने जो 5 केजी पे फोर्स लगाई, यहां लगाई जहां पर ये कांटेक्ट में थे, ये दूसरे को यहां, ये एक दूसरे के साथ यहां पे कांटेक्ट में है, तो इसने इसके ऊपर मान लो एफ फोर्स लगाई, तो बाय रिएक्शन 5 केजी ने भी 15 केजी को एफ फोर्स लगाई। इसे बोलते हैं दो ब्लॉक्स की कांटेक्ट फोर्सेस। तो अंदर ही अंदर क्या लग रही है, कांटेक्ट फोर्सेस। आपको निकालनी है कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन है। एफ की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है, फाइंड एफ। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन है इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, कांटेक्ट फोर्स एक नहीं हो सकती, 15 केजी 5 केजी को पुश करेगा तो 5 केजी बदले में 15 केजी को भी पुश करेगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो आप दो ब्लॉक्स के डायग्राम को अलग अलग बनाएं, ये आपका 5 केजी है और ये आपका 15 केजी है, ये रहा। इसके अंदर ये जो फोर्स है ये 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, और इसकी मूवमेंट राइट है, और ये भी राइट मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप देख लेना, उसके बाद नोट कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 15 केजी ने 5 केजी को फोर्स कहां लगाई, राइट की लेफ्ट, ये राइट वेक्टर है कि लेफ्ट, 5 केजी को फोर्स कहां मिली, राइट, तो ये वेक्टर एफ राइट है। तो 15 केजी को 5 केजी की तरफ से फोर्स कहां मिली, लेफ्ट, ये लेफ्ट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, वेक्टर समझ में आ रहा है, एक वेक्टर इसके पास है, एक वेक्टर इसके पास है, क्योंकि 5 केजी राइट जा रहा है, तो राइट अपने आप तो जा नहीं रहा, इसके कॉन्टैक्ट फोर्स ने इसको पुश किया, तो एफ ने आगे पुश किया, लेकिन जाते जाते 5 केजी ने 15 केजी को भी क्या लगाना है, फोर्स एफ। तो ये डायग्राम बना लें प्लीज, ठीक है यहां तक, एफ और एफ को डिवाइड करना पड़ेगा दोनों में, तो बन गया फ्री बॉडी डायग्राम, बस ठीक है। न्यूटन का लॉ क्या है, न्यूटन का लॉ, ये ब्लॉक कहां जा रहा है, राइट, तो कौन सी फोर्स बड़ी, 100 की एफ, 100, तो नेट फोर्स क्या बनेगी, 100 माइनस एफ 15 इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। सेकेंड ब्लॉक राइट जा रहा है, एफ इज 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, उसी तरीके से नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों को सॉल्व करते हैं, 100 माइनस एफ इज इक्वल टू 15 इंटू ए, एफ इज 5 इंटू ए। जब आप इन्हें ऐड करें, भूलना नहीं, एफ का एफ के साथ कैंसल होना जरूरी है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, अगर कैंसल ना हो तो आपके डायग्राम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐड करें, 100 इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5। इस एक्सेलरेशन को यहां पे पुट करके फोर्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, 5 इंटू 100, 15 प्लस 5 इज द आंसर। अब आप मुझे एक चीज कहेंगे, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आई तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इतना लंबा मेथड क्यों किया,
एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो पेन को हाथ भी नहीं लगाना था। कैसे? एक्सेलरेशन होती क्या है? नेट फोर्स। पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितनी है? 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 15 प्लस 5। ये देखो एक लाइन में एक्सेलरेशन आएगी। पर तुमसे एक्सेलरेशन पूछेगा कौन? कोई भी नहीं, तुमसे एफ पूछेगा। तो तुम्हें डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। ए क्यों पूछेगा यार? ए तो कोई भी वर्ली कर ही देगा सॉल्व, फोर्स ऑन मास। तो तुम्हें ए निकालने में हेल्प मिलेगी, लेकिन एफ निकालने के लिए तो कुछ ऐसा लगाना ही पड़ेगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है ब्लॉक से कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकलेगी? ठीक है, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आप करें। सपोज ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इधर मैंने फोर्स लगाई, इधर भी मैंने फोर्स लगाई, इधर फोर्स लगाई 100 न्यूटन, इधर से फोर्स लगाई 20 न्यूटन, ये मान लो 15 केजी है, ये मान लो 5 केजी है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी? ये क्वेश्चन है, अंदर की कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी ये बनाना है। तो सबसे पहले ये पूरा सिस्टम आगे मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर बात करते हैं तो 15 केजी, 5 केजी पे फोर्स लगाएगा एफ, तो 5 केजी बदले में 15 केजी पे फोर्स लगाएगा एफ। अब बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो 15 केजी का अलग और 5 केजी का अलग, ये लो। तो ये रहा 15 केजी और ये रहा 5 केजी। तो 15 केजी को यहां से फोर्स कितनी मिल रही है? 100 न्यूटन, ये लो। तो पूरा सिस्टम आगे मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ क्या? ए। ए 15 केजी को राइट की तरफ फोर्स कितनी मिल रही है? 100 न्यूटन। लेकिन 5 केजी से बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है कितनी? एफ। और 5 केजी के ऊपर यहां से फोर्स कितनी मिल रही है? 20 न्यूटन। और 15 केजी 5 केजी को पुश कर रहा है बाय अ फोर्स ऑफ एफ। तो क्या ये डायग्राम सबको क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो अब न्यूटन को बुलाओ और लॉ लगवाओ। न्यूटन का सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या है इसमें, क्या बनेगी? क्योंकि राइट जा रहा है तो 100 बड़ा है, एफ छोटा है। 100 माइनस एफ इज 15 इंटू ए। और क्योंकि ये भी राइट जा रहा है, राइट जा रहा है तो एफ बड़ा है कि 20 बड़ा है? एफ बड़ा है। तो क्या बनेगी इक्वेशन? एफ माइनस 20 इज 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। और अगर मेरा एफ और एफ कैंसिल हो गया, इसका मतलब इक्वेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो सॉल्व करके एक्सेलरेशन आएगी 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 80 डिवाइडेड बाय 20। वैसे एक्सेलरेशन तो ओरली भी निकाल सकते थे। नेट फोर्स कितनी है? 100 माइनस 20 80, और टोटल मास क्या है? 15 प्लस 5 20। सही है यहाँ तक? लेकिन चलो यहाँ से भी सही है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ या यहाँ जहाँ मर्जी पुट कर दो तो एफ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। निकाल लेना किसी भी क्वेश्चन में जो भी आएगा, निकाल लो 40। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक करना क्या है? मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है
कि आपने लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व कर दिया ना, ये तो कोई भी कर लेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने डायग्राम को कैसे विजुलाइज किया है। आप डायग्राम सही विजुलाइज कर पा रहे हैं, फोर्सेस सही बन रही हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, कोई डाउट है इसमें? और फोर्स फ्रिक्शन में कुछ भी नहीं, बस यही है, जिसके डायग्राम सही बनते जाएंगे वो क्वेश्चन ठीक करता जाएगा, सिंपल। क्योंकि लगेगा न्यूटन का सेकेंड लॉ, सारी फोर्सेस बनाने के बाद न्यूटन का सेकेंड लॉ। एक और क्वेश्चन करो, बड़ा ब्लॉक, छोटा ब्लॉक, उससे भी छोटा ब्लॉक, ठीक, फोर्स अप्लाइड 100 न्यूटन, 15 kg, 5 kg, 2 kg, पूरा सिस्टम मूव करेगा विद ए। आपको कांटेक्ट फोर्स इस सरफेस पे भी निकालनी है और इस सरफेस पे भी निकालनी है। इस बार कांटेक्ट फोर्स यहाँ भी बनेगी और यहाँ भी बनेगी, तो बताओ सेम बनेगी कि डिफरेंट बनेगी? डिफरेंट बनेगी। तो ऑब्वियसली जैसे टेंशन डिफरेंट होती है अलग अलग ब्लॉक्स में, तो ये भी डिफरेंट बनेगी। तो 15 kg ने 5 kg को फोर्स अप्लाई की एफ, तो बदले में इसने भी अप्लाई की एफ, लेकिन 5 kg ने 2 kg को फोर्स अप्लाई की एफ डैश, तो 2 kg ने 5 kg को फोर्स अप्लाई की एफ डैश, रहेगी इक्वल एंड ऑपोजिट। ये गलती मत कर देना, बार बार कह रहा हूं, एफ और एफ डैश ना, एफ और एफ, एफ डैश एफ डैश। अब करो शुरू, अब बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम इनके। ठीक है, तो इसमें डायग्राम 15 kg का बनाओ। तो ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, तीनों के तीनों मूव कर रहे हैं विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, ये रहा। तो यहाँ पर फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन है। वापसी फोर्स कितनी है? एफ। यहाँ से फोर्स कितनी है? एफ। यहाँ से कितनी मिलेगी? एफ डैश। यहाँ पे एफ डैश, तो ये कितने हैं? 15 kg। यहाँ से फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन। एक्सेलेरेशन सबकी क्या है? ए। 2 kg और 5 kg। क्या सबने ये डायग्राम बनाए? पहले चेक करो, ऐसी बने डायग्राम तीन? अब क्योंकि ये वाला ब्लॉक आगे जा रहा है तो 100 बड़ा है, एफ छोटा है, इक्वेशन क्या बनेगी? 100 माइनस एफ इज इक्वल टू 15 into a, क्योंकि 5 kg का ब्लॉक भी आगे जा रहा है तो एफ बड़ा है, एफ डैश छोटा है, तो एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 5 into a, क्योंकि 2 kg आगे जा रहा है तो एफ डैश इज इक्वल टू 2 into a। तीन इक्वेशन में चेक करो, एफ और एफ सब कैंसल, 100
इज इक्वल टू, इन्हें ऐड करो, ऐड करके क्या आ रहा है 22a, तो a की वैल्यू आ गई 100 डिवाइडेड बाई 22। इस a की वैल्यू को 1, 2 या 3 इक्वेशन में पुट करेंगे, f डैश और f कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है कि ब्लॉक्स के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेंगे और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। कोई डाउट इसमें? हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो ऑलरेडी हमने एक बार किया हुआ है। कैसे? अगर ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, और मान लो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, और सपोज करो इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है कुछ मान लो 5 kg का ब्लॉक है इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका वेट कहाँ ऐड करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कितना ऐड करेगा? 5g। सही है यहां तक? तो ये ब्लॉक स्लिप होता हुआ नीचे आ जाएगा, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आएगी? हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था कैसे करना होता था। एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करनी है सच दैट ये लाइन इस इंक्लाइन प्लेन की सरफेस के साथ कितने एंगल पे होनी चाहिए? 90। और एक लाइन आपने यहां ऐसे ड्रॉ करनी है सच दैट ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ऐसा कुछ। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो इसके अंदर एक लाइन, या पहले मैं ये ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा और इजी हो जाएगा, डायग्राम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लाइन मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं कुछ ऐसे, इसके पैरेलल ये रही। तो अगर ये लाइन यहां पर मैंने ड्रॉ की, अगर ये 60 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, ऐसे किया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे। ठीक है, यहां तक इमेजिनरी लाइन है वैसे समझाने के लिए। और एक लाइन मैं ड्रॉ करना चाहता हूं इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे मैंने अभी बताया, तो ये लाइन सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 ऐसे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ये 60 है और ये आपस में 90 डिग्री पे है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 30। टोटल एंगल 90 है ना, तो 90 में 60 और ये 30। अब ये लाइन भी 90 डिग्री पे है, तो अगर ये 30 तो ये क्या हो जाएगा? 60। तो ज्योमेट्री समझ में आ रही है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ऐसा हमने पहले भी किया था, प्रोजेक्टाइल के अंदर एक शीट बनाई थी उसके अंदर सेम था। तो आज के बाद आपने ये ज्योमेट्री नहीं बनानी, उसने भी ये कहा था नहीं बनानी। बस आप ये याद रखें कि अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 60। तो आज के बाद आपने ऐसे करना है कि अगर आपको कोई भी इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आ जाए और मैं ये बोलूं कि ये जो मास है, मान लो वो 5 kg का मास है, 5 kg का मास का वेट कहाँ ऐड करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना? 5g। और ये एंगल गिवन है मान लो 60, तो आपने सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है कुछ ऐसी जो इसके साथ एंगल क्या बनाएगी? 90। ये बनानी है ऐसे, ठीक। और ये शॉर्टकट मारना है, अगर ये 60 है तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 60। हाँ ठीक है, ज्योमेट्री से हमने चेक कर लिया 60 है, तो आज के बाद ये हमने चेक नहीं करना, आज के बाद ऑटोमेटिकली ये 60 ही है। फिर इस वेट 5g के दो कॉम्पोनेंट्स हैं। पहला कॉम्पोनेंट क्या है? 5g कॉस ऑफ 60, वेक्टर में कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ किए थे हमने। और एक कॉम्पोनेंट है 5g साइन ऑफ 60, ऐसे ही है। तो अगर मैं ये पूछूं कि कौन सी फोर्स इस ब्लॉक को नीचे लेके आ रही है, तो आंसर क्या होगा? 5g साइन 60। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब आपको अगर याद हो कि अगर ये एक ब्लॉक है, हमने न्यूटन का थर्ड लॉ किया था, इसका वेट अगर मान लो 5 kg का ब्लॉक है और प्लेन सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो इसका वेट कितना है? 5g। तो ये सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। मैंने बताया था R या N कैसे भी लिख सकते हैं, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ग्राउंड इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का नाम नॉर्मल क्यों है? क्योंकि ये जो फोर्स है नॉर्मल N की, ये सरफेस के साथ एंगल हमेशा क्या बनाती है? 90। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आपकी जो सरफेस है इसके साथ एंगल हमेशा क्या बनाएगी? 90।
तो इसके अंदर एन का फॉर्मूला क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 5G एक्शन रिएक्शन इक्विवेलेंट ऑपोजिट, एन की वैल्यू यहां पर 5G है। तो आज के बाद अगर मान लो बॉडी का मास एम है और मैं ये पूछूं नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो आंसर क्या होगा, एम जी। कितने लोग एग्री करते हैं, अगर नॉर्मल, अगर मान लो बॉडी का मास 5 की जगह एम है, उसका वेट क्या हो जाएगा, एम जी, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, एम जी। ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये प्लेन सरफेस के ऊपर तो ट्रू है, एन एम जी के इक्वल होगा, सही है, पर अगर सरफेस इंक्लाइन है तो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स ये बन जाती है। ये क्यों बनती है, क्योंकि ये जो फोर्स है, ध्यान से देखें, ये इस सरफेस के साथ एंगल क्या बना रही है, 90। तो आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल क्यों होता है, इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इस, क्योंकि अब सरफेस प्लेन नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, अब इंक्लाइन है, तो इंक्लाइन के साथ ये नॉर्मल रिएक्शन एंगल क्या बना रहा है, 90। तो ये नॉर्मल रिएक्शन एन ऐसे बनेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट फोर्स कौन है, 5G cos 60। तो इस केस में एन की वैल्यू क्या बनेगी, 5G cos 60। तो मतलब आप ना नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला याद नहीं कर सकते। अगर मैं पूछूं कि नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो आप मुझे ये आंसर दें, सर सिचुएशन देख के आंसर दूंगा, ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो अगर आप मेरे को वो सिचुएशन देंगे तो मैं एन की वैल्यू 5G ड्रॉ कर दूंगा बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन अगर आप मुझे इंक्लाइन प्लेन पे देंगे तो फिर मैं एन की वैल्यू 5G cos 60 मार्क करूंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो नॉर्मली बता देता हूं, इंक्लाइन प्लेन के केस में नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एम जी कॉस थीटा होता है, मीन्स 5G cos 60 के आसपास ऐसे होता है, कॉस कॉम्पोनेंट होता है, साइन कॉम्पोनेंट बॉडी को नीचे लेके आएगा और कॉस कॉम्पोनेंट नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करता है। तो अगर ये सरफेस कैसी है, स्ट्रेट है, तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी है, अगर ये सरफेस इंक्लाइन के ऊपर है तो नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल है, याद रहेगा यहाँ पे, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक? तो फिर मुझे ये बताओ कि अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है, ये मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, ये 90 डिग्री पे है, ये थीट है, ये आपका ब्लॉक है, तो बताओ इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इसका, अगर मास एम है, एम जी कॉस थीटा, बना के देख लो, इसका वेट क्या है, बोलो एम जी, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है ताकि ये परपेंडिकुलर सरफेस के साथ एंगल क्या बनाए, 90। तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थीटा, बताया था एम जी का एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट एम जी का नीचे हो जाएगा कितना, एम जी साइन थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स कहाँ है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन किसको इक्वेट कर रहा है, एम जी कॉस थीटा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, बनाने बना लो, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स बना लो, काम आएगी, बहुत काम आती है रादर ये, ठीक है यहाँ तक? तो इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है, क्लियर है? इंक्लाइन एंगल 90 भी नहीं होता ना, किस थीट एंगल पे होगा, नहीं होगा, राइट एंगल इंक्लाइन प्लेन आते हैं, राइट एंगल आएंगे, इंक्लाइन प्लेन का एक एंगल 90 होगा पक्का, हाँ पक्का होगा, बाई चांस अगर चेंज हुआ भी तो मैं कर दूंगा सॉल्व, ठीक है, अगर मान लो 90 नहीं भी हुआ तो भी हो जाएगा सॉल्व, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक क्लियर है? तो क्वेश्चन ये है, ये बनाओ साथ साथ, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल 60 है, इसके ऊपर
ब्लॉक है, ब्लॉक एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, फिर एक पुली है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, और फिर नीचे एक और ब्लॉक है, ऐसे। ये ब्लॉक 15 केजी का ब्लॉक है, ये 2 केजी का ब्लॉक है। तो आपको ये बताना है कि अगर ये 15 केजी का ब्लॉक नीचे आ रहा है, 2 केजी का ब्लॉक इधर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन तो दोनों की एग्जैक्टली क्या होगी, सेम। तो आपको ए बताना है और स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है क्या होगी, ए और टी दो बताने हैं। तो पहले ये वो बनाओ, 2g, 2g cos 60, 2g sin 60। पहले डायग्राम बनाओ इंक्लाइन में क्या बनता है। तो इंक्लाइन प्लेन में पहला डायग्राम यही बनेगा, इसका वेट बनाओ पहले क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, इसका वेट होगा 2g। तो इसका जो वेट है, पहले वेट ड्रॉ करो, इसका वेट है 2g वर्टिकली डाउनवर्ड्स 2g। तो फिर मैंने बताया था एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर, ये हमेशा हर डायग्राम में ये डायग्राम बनना ही बनना है जो मैं बना रहा हूँ, ये बनना ही बनना है। तो नॉर्मल रिएक्शन n, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60, ये क्या बन जाएगा 2g cos 60, ये क्या बन जाएगा 2g sin 60। क्या डायग्राम क्लियर है यहाँ तक? ये वाला इंक्लाइन प्लेन का डायग्राम स्टैंडर्ड है, ऐसे बनना ही बनना है। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बाकी तो आपको तय करना, क्या यहाँ पे इसका वेट कितना है, 15g, 15g टेंशन, यहाँ पे टेंशन टी एंड टी, याद है ना, स्ट्रिंग है ना, और एक रस्सी है तो एक ही टेंशन है, इधर भी और इधर भी, तो टी एंड टी, ये देखो टी एंड टी, टी एंड टी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, टेंशन टी एन टी, वेट एम जी, ये तो पता ही है। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में जो 15g है, इसके इमीडिएटली ऊपर और नीचे ये फोर्सेस हैं, इमीडिएटली ऊपर और नीचे ये फोर्सेस, और डायग्राम इससे बनेगा। और 2 kg का ब्लॉक कैसे जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन के साथ जा रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में इमीडिएटली इंक्लाइन प्लेन के ऊपर और नीचे ये फोर्सेस हैं, देख रहे हो ये येलो कलर में, तो ऊपर कितनी है टी और नीचे कितनी है 2g sin 60, देख रहे हो। तो फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन सी फोर्सेस इंक्लूड करनी है, क्लियर है? इसको इंक्लूड करके फायदा ही नहीं है, क्योंकि मोशन ऐसे तो है नहीं, मोशन तो ऐसे है, और वैसे भी एन किसको बैलेंस करेगा, 2g cos 60 वैसे ही बैलेंस कर देगा, इसकी मोशन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक, इक्वेशन बोलो, इक्वेशन बोलो इसकी, ये 15 केजी कहां जा रहा है, नीचे, तो 15g बढ़ा है कि टी बढ़ा है, तो 15g माइनस टी इज इक्वल टू 15 इनटू ए, फर्स्ट इक्वेशन। क्या स्टेप क्लियर है? 15g माइनस टी इज 15 इनटू ए। अच्छा बताओ इस 2 kg की क्वेश्चन क्या बनेगी, 2 kg कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बताओ टी बढ़ा है कि 2g sin 60 बढ़ा है, टी बढ़ा है, तो नेट फोर्स क्या बनेगी, टी माइनस 2g साइन 60 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, बस इन्हें ऐड कर दो, टी से टी कैंसल, 15g माइनस 2g साइन 60 इज इक्वल टू 17 a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 15g माइनस 2g साइन 60 डिवाइडेड बाय 17, सॉल्व कर लेना, a सॉल्व कर लेना, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू भी आ जाएगी, तो a आ गया तो t भी आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या मेथड फॉलो करना है, कोई डाउट इसमें? मेन जो चीज़ है वो है डायग्राम, तभी आपके हाथ से बनवा रहा हूँ डायग्राम, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए हाथ से बनाने की,
इसको ओरली नहीं कर सकते ना। मेथड क्लियर है? सपोज एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, ये जो मास है 10 kg का मास है, एक स्ट्रिंग है 10 kg का मास है, तो और ये रेस्ट पे है, ये ब्लॉक रेस्ट पे है, टंगा हुआ है रस्सी के साथ। बताओ स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू क्या होगी स्ट्रिंग में? 10 g। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि टेंशन पेयर में ऐड करेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सही है। इसका वेट कहाँ ऐड करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड ऐड करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बनेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ना ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है, ये तो रेस्ट पे है। और रेस्ट पे तभी हो सकता है अगर टी ऊपर वाली और नीचे वाली फोर्सेस बैलेंस हो जाएं। तो आंसर क्या आएगा? 10 g। और पूरी रस्सी में टेंशन विल रिमेन सेम, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अगर ये मूव कर रहा होता नीचे तो 10 g बड़ा होता, ऊपर तो टी बड़ा होता, ये मूव ही नहीं कर रहा तो टी और 10 g बराबर है। ठीक है यहां तक? टू एम वन एम टू जी का फॉर्मूला यहाँ चलेगा नहीं है। कौन सा पुली है? वो तो पुली में चलता है सिर्फ, पुली में जो दो मासेस हैं उसमें चलता है ना, पुली कहाँ है? वो फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है कि हर जगह टेंशन में चलेगा, वो उसी में चलेगा बस, उसमें भी नहीं चलेगा, बस उसी में चलेगा जिसका फॉर्मूला लिखवाया डायग्राम के साथ बस। तो इसलिए वो फॉर्मूला बहुत याद करके फ़ायदा नहीं है, वो एक ही क्वेश्चन में चलता है, बाकी समय फेल है वो। ठीक है यहाँ तक? तो नेक्स्ट है, एक ना क्वेश्चन आते हैं स्प्रिंग बैलेंस पे। जैसे ये ना स्प्रिंग बैलेंस मशीन होती हैं, अगर आपने देखा हो घरों में भी होती है, घरों में नॉर्मली लोग रखते हैं। जैसे सिलेंडर को तोलना है, वो स्प्रिंग सा लगा होता है, येलो गोल्डन सा इतना सा होता है, तो ऐसे उठा देते हैं तो वो बता देता है अप्रॉक्सीमेटली कितने kg का है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है स्प्रिंग बैलेंस का? इसमें स्प्रिंग बैलेंस का मास नहीं लेंगे हम, रस्सी का मास नहीं लेंगे हम। किसी ने 10 kg का मास तोलना है तो स्प्रिंग बैलेंस में रस्सी जा रही होगी, 10 kg का मास जब लगेगा तो यहाँ वेट क्या लगेगा? 10 g। रस्सी टाइट हो जाएगी, रस्सी में जितनी टेंशन होगी वही इसका वेट होगा, जितनी खींच जाएगी। क्यों खींची? वेट की वजह से खींची। तो जितना वेट होगा उतनी रस्सी खींच जाएगी। तो अगर आप टेंशन निकाल दें, टेंशन इन दी वायर, तो यानी कि वेट आ जाएगा इसका कितना है। तो स्प्रिंग बैलेंस ऐसे काम करता है। तो आपने ये मशीन को तो ध्यान देना ही नहीं है ना, मशीन कैसी दिखती है। आपका मेन मोटिव क्या है? इस रस्सी में टेंशन निकालना। जब आप किसी भी सामान को लटकाते हो, आप रेस्ट पे ले आते हो, हिलाते नहीं हो, आप रेस्ट पे ले आते हो। आप रेस्ट पे लेके आते हो तो इसमें क्या डेवलप हो जाएगी? टेंशन टी एंड टेंशन टी, ये देखो टी। फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से आप इस पूरे सिस्टम को रेस्ट पे लेके आते हो तो टी किसके इक्वल है? टेंशन। सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कुछ लेना ही नहीं है दुनिया में, फ्रिक्शन नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूं रस्सी का मास भी नहीं, इससे और अजम्पशन क्या लूं? रस्सी, जबकि ऐसा सुने रस्सी का मास ना हो, रस्सी का कुछ तो मास होता होगा, हम तो वो भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, हम सिर्फ ये ब्लॉक का मास ले रहे हैं बस, और कुछ ले ही नहीं रहे। दुनिया में फ्रिक्शन नाम की चीज ही नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, प्रैक्टिकली तो असली वेट आएगा नहीं ना, वो जाम भी तो हो जाती है, 6 महीने से चली नहीं है, सिलेंडर तोलने चले तो जाम भी तो हो जाएगी, तो फिर वो सही वेट देती भी नहीं है। बट इन एनी केस हम नई मशीन ले रहे हैं और बिल्कुल आइडल मशीन ले रहे हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो फिर क्वेश्चन पूछूं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन तो ये है, ये लो क्वेश्चन है कि मान लो आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये रहा, इसके अंदर से ये स्ट्रिंग जा रही है। सपोज ये एक पुली है, ये एक पुली है, सपोज ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, तो ये 20 kg का ब्लॉक है
ये भी 20 kg का ब्लॉक है। आपको बताना है कि जब ये सिचुएशन है तो ये कितना रीडिंग मेजर करेगा, स्प्रिंग बैलेंस का वेट या इसकी रीडिंग क्या होगी, कितने न्यूटन होगी। पहला आंसर, तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, ज़ीरो। कितने लोग बोलते हैं ज़ीरो, 20g 20g आपस में कैंसिल हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन 40g, इधर भी जोर लग रहा है इधर भी जोर लग रहा है, 40g। तीसरा ऑप्शन 20g, तीनों ठीक लग रहे हैं ना। देखो एक थ्योरी कहती है ज़ीरो इसलिए क्योंकि 20g 20g कैंसिल, लॉजिक है। 40g इसलिए इधर भी जोर लग रहा है इधर भी जोर लग रहा है, 20g 20g 40g, और एक आंसर है 20g। क्या मार्क करना चाहोगे, 20g 0 20g? क्यों? आप अपने 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 इमोशंस के ऊपर ध्यान ना दें, ऐसा लग रहा है। आप एक ही कॉन्सेप्ट देखें, रस्सी में टेंशन क्या है, बस वही आंसर है। आपको सिर्फ स्ट्रिंग की टेंशन ही निकालनी है, सही, तो आप इसमें टेंशन निकाल दें। ये लो, टेंशन कैसे निकलेगी, इसका वेट क्या है 20g, इसका वेट क्या है 20g। टेंशन टी एंड टी, टेंशन इधर भी टी एंड टी, ऐसे टी एंड टी, राइट। तो क्योंकि एक ही रस्सी जा रही है ना, तो टेंशन एक ही होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि 20g 20g, ये 20g और ये भी 20g, प्रॉब्लम यह है कि ये किस पे रहेगा सिस्टम, एट रेस्ट। अब रेस्ट पे है तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलता है, टेंशन क्या है, तो आंसर क्या मार्क करेंगे 20g। तो 20g सही आंसर है, ज़ीरो सही आंसर नहीं है यार, ज़ीरो तो हो भी नहीं सकता, रस्सी में बल थोड़ा पड़ गए, तुमने वहाँ वेट लगाया, टेंशन ज़ीरो का मतलब है रस्सी में बल पड़े हुए हैं, उसमें कोई फोर्स ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना यार। तो फोर्स तो है, तो समझ में आ रहा है यहाँ पर कैसे आंसर होगा, कोई डाउट इसमें? ठीक, चलो मैं अपना क्वेश्चन चेंज करता हूँ। मेरा क्वेश्चन है, सपोज मैं ये वेट चेंज कर रहा हूँ, ठीक। मेरा क्वेश्चन है, अगर ये 20 kg है और ये 40 kg है, अब बोलो आंसर क्या होगा, फिर 40g हो जाएगा, अब आंसर क्या है बोलो, क्या मेजरमेंट होगी? नहीं, अभी रेस्ट पे नहीं होगा, रस्सी खिसक जाएगी, अभी रेस्ट पे नहीं होगा, अब एक्सेलेरेशन होगी, यू हैव टू टेक एक्सेलेरेशन। तो आप ये तो अंडरस्टूड है ना, 40g या 20g है, तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, और ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए। तो बनाओ फिर फ्री बॉडी डायग्राम इसके, बन तो गए। तो ये कहाँ आ रहा है, नीचे, तो नीचे की फोर्स बड़ी और ऊपर की फोर्स छोटी, 40 × a। फिर ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो t बड़ा है 20g छोटा है, इज इक्वल टू 20 × a, इन्हें ऐड कर लें, t से t कैंसिल, तो 20g इज इक्वल टू 60a। तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर क्या आ गया आपके पास, g/3। इस g/3 को यहाँ पुट करके टेंशन निकाल लेना, जो भी टेंशन होगी वही मेरा आंसर, समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो अगर अनइक्वल वेट्स हैं फिर आपको सिस्टम की एक्सेलरेशन कंसिडर करनी पड़ेगी और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है।
ठीक, तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, अब एक काम करें, बुकलेट ओपन करें। ठीक है, देखो, हमने फोर्स के अंदर सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम कर लिया था। सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट के बाद ये वाला एग्जाम्पल आज हमने कर लिया, आज मैंने ये करवाया है। फिर इस टाइप की प्रॉब्लम हमने कर ली, ये करवा दी। फिर हमने इस टाइप की प्रॉब्लम भी कर ली, तीन ब्लॉक्स वाली, ये भी डन। फिर उसके बाद ये हमने नेक्स्ट टाइम करनी, अभी नहीं करनी। इसके बाद इंक्लाइन प्लेन वाली प्रॉब्लम भी डन। ठीक हो गया यहाँ तक? तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस करने वाले हैं, लिफ्ट केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू करते हैं।